कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये तो छोटा सा इंजेक्शन भी बाहर मंगवाते हैं, कहते हैं बाहर ले आओ, और बच्चों के लिए जो भी होता है वो 20 रुपए वाला भी होता है वो भी जाके बाहर से मंगवाओ, इधर कुछ भी नहीं मिलता है। किसके पास भी जाओ तो वो किसी का फरियाद नहीं सुनता है। गरीब आदमी तो वैसे भी बर्बाद है, समझ आया, गरीब बिल्कुल बर्बाद है। अस्पताल का ये हालात है कि दवाइयाँ तो नहीं मिलती है, ड्राप वगैरह जो 10-10-20 रुपए का ड्राप है वो मिलता है, और रात को इधर किसी के सोने की जगह एक भी नहीं है। अस्पताल के गेट में एक दवाइयाँ वाला है जो वो भी दवाई 50 रुपए महंगी बेच रहा है, क्योंकि उसके लिए कोई है नहीं, पूछने वाला कोई नहीं है। मतलब जो छोटा मोटा सामान है वो अंदर से फ्री मिल जाता है, जो मेजर है वो फिर हमें बाहर से ख़रीदना पड़ता था। देखें अभी तो इनको टाइम देना चाहिए, लेकिन ये है कि ज़्यादातर वादे ही हैं जो इन्होंने किए थे, अभी तक हम ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है वो। जी बिल्कुल, ना सिर्फ पेशावर बल्कि सूबे के जितने भी सरकारी अस्पताल है, हुकूमत ने जो वादे किए थे कि फ्री दवाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, और जितने भी जो लवाइकीन है जो मरीजों के लिए दवाई है बाहर से ली जाती है, टेस्ट भी यहाँ पे जो है फ्री में किए जाते हैं, लेकिन जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि टेस्ट भी बाहर से किए जाते हैं और दवाई भी बाहर से ली जाती है। जी